चेस में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वीडियो देखते हुए ब्रेक आए मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, टेक बिना ब्रेक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के घर के बाहर धरने पर बैठे ये हैं उनके ही भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह अपने समर्थकों के साथ दिग्विजय के बंगले के बाहर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चाचौड़ा को जिला बनाया जाए। चाचौड़ा से ही कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का आरोप है कि सीएम कमलनाथ ने जुलाई में ही चाचौड़ा को जिला बनाने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई घोषणा नहीं की। इसके साथ ही लक्ष्मण सिंह ने यह भी ऐलान किया कि जब तक उन्हें सरकार की तरफ से भरोसा नहीं दिया जाएगा वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे रहेंगे। चाचौड़ा के मतदाता भाइयों बहनों के सामने करी थी और तीन तहसील मिला के जिला बनना है, दो तहसील पे एक जिला बना है निवाड़ी, तो जब दो तहसील पे जिला बन सकता है तो तीन पर तो बन ही सकता है। और फिर ये झाबुआ का उपचुनाव आ गया था, तो उन्होंने कहा झाबुआ उपचुनाव के बाद हम लोग सार्वजनिक रूप से चल के वहाँ और माननीय हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी दोनों जाके सार्वजनिक रूप से वहाँ घोषणा करेंगे और नया जिला बन जाएगा, क्योंकि चाचौड़ा जिला बहुत पिछड़ा है। हम लोगों ने इतनी बार वहाँ प्रतिनिधित्व किया है, भाई साहब स्वयं वहाँ सीएम रहे हैं, उसके बाद भी जिला इतना पिछड़ा है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है। बार बार चाचौड़ा के मतदाताओं ने हमें चुन चुन कर भेजा, मुझे 5 बार लोकसभा में भेजा, 1 बार विधानसभा में भेजा, 6 बार भाई साहब को 3-3, 4-4 चुनाव जितवाए और कांग्रेस पार्टी के विधायक हमेशा रहे। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारा भी फर्ज बनता है कि आज हमारी सरकार है तो विधिवत घोषणा करें और इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है, ये कोई हम घोषणा को लागू करने की बात कर रहे हैं, हम नई घोषणा कराने की बात नहीं कर रहे हैं, घोषणा जो हुई उसको लागू। लक्ष्मण सिंह के धरने पर बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी तंज कस रही है कि लक्ष्मण सिंह को भी लक्ष्मण रेखा लांघनी पड़ रही है। ये जनाक्रोश की चरम अभिव्यक्ति है कि लक्ष्मण सिंह जी को भी लक्ष्मण रेखा लांघनी पड़ रही है। एक विधायक को सांसद से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए धरना देना पड़ रहा है। एक विधायक को मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लेने के लिए धरना देना पड़ रहा है। लक्ष्मण सिंह जी के धरने से एक बात भी साबित हो गई कि कमलनाथ जी झूठी घोषणाएं करते हैं। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कैसे कैसी झूठी घोषणाएं की कि जिला बनाने की घोषणा कर दी और अब कतराते घूम रहे हैं भाई भी और मुख्यमंत्री भी। एक भाई से भाई को मिलने के लिए धरना देना पड़े, कांग्रेस में हो क्या रहा, मेरी समझ से तो परे है। ऐसा नहीं है कि पहली बार लक्ष्मण सिंह जी ने कोई अभिव्यक्ति की हो। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी आके माफी मांगे। मैं तो उनकी इन सब बातों का समर्थक हूं, कम से कम वो खुल के तो बोल रहे और उससे कांग्रेस की आंतरिक स्थिति का भी पता चले। ये कोई पहला मौका नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। इससे पहले कर्ज माफी पर भी वो कमलनाथ सरकार को घेर चुके हैं और राहुल गांधी से कर्ज माफी के वायदे के लिए किसानों से माफी मांगने की नसीहत भी दे चुके हैं। भोपाल से रवेश पाल सिंह की रिपोर्ट।